नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये जो है चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन चाहे आपका रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक जो है समझ लेते हैं, इसके छोटे छोटे कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है 15 गुना 25 गुना 8 को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले जान लीजिए कि शून्य बनेगा कैसे। शून्य कब बनता है? जब एक 5 का गुना हो और एक 2 का गुना हो तो 10 मिलेगा, यानी कि एक शून्य बनेगा। कम से कम एक 5 और एक 2 रहेगा तब भी जो है आपका एक शून्य बनेगा। यही 2 शून्य बनने के लिए कम से कम 2 5 का होना जरूरी है और 2 2 का होना जरूरी है। मतलब जब एक पेयर हुआ 1 5 और 1 2 और ये दूसरा पेयर हुआ 1 5 और 1 2, यानी कि 2 पेयर मिले हमको 5 और 2 के, कितने जोड़े मिले, कितने पेयर मिले हमको, तो 2 पेयर मिले। 2 पेयर मिले इसका मतलब कि शून्य की संख्या मिलेगा 2। शून्य की संख्या मिलेगा कितना? 2। ठीक है, जितना पेयर मिलेगा हमको 5 और 2 का उतना ही शून्य बनेगा। समझ गए ये बात? तो अब यहां दिया हुआ है कि 15 गुना 25 गुना 8 को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हम पहले इसको गुणनखंड कर लीजिए। 15 का होगा 5 गुना 3, 25 का होगा 5 गुना 5 और 8 का होगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कितना बना? 2 और 2 तो आया 3 बार और 5 भी आया है यहाँ पर, कितने बार? 3 बार। ठीक है, तो जोड़ा कितना बनेगा? यहां पर देख लीजिए, जितने जोड़े बनेंगे उतना ही आपका क्या बनेगा? 0। 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना और ये 3 जोड़ा बना। इसका मतलब है कि 3 जोड़ो आया। शून्यों की संख्या कितने होगा आपका? 3। यहां पर लिख सकते हैं कि 5 और 2 का जोड़ा कितना बना, पेयर कितना बना? यहां पर बना है 3। इसलिए शून्यों की संख्या भी होगा आपका 3। ठीक है, शून्यों की संख्या उतना ही होगा जितना कि 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से न दे करके, आप 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के गुणा करने पर दिया हुआ है, तो इस तरह से भी दे सकता था आपको कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक? 100 तक। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है ऐसे भी दे सकता था, शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, या सेम क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, कितनी होगी। ठीक है, यहां पर 100 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? आप देखिएगा किताब में फैक्टोरियल ऐसे भी दिया रहता है कहीं पे, या ऐसे भी दिया रहेगा। ठीक है, फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 100 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4
कहाँ तक? 100 तक, ठीक है, यही मतलब हुआ 100 फैक्टोरियल का। यही अगर 5 फैक्टोरियल का मान पूछा जाए तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। हमने यहाँ से लिखा है, 1 से शुरू किया है, आप इधर से भी लिख सकते थे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। ये दोनों बात क्या है? एक ही है। अब इसको बनाएंगे कैसे? हम जो दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू उसमें 5 से भी भाग देंगे और 2 से भी भाग देंगे, और भाग जो है इतना बार देना है, जैसे जो भागफल आएगा उसमें भी फिर 2 से भाग देते चलना है। जो जो भागफल आए कब तक देना है? जब तक कि 2 से छोटा ना आ जाए, और यदि 5 से भाग दे रहे हैं तो जब तक भाग देना है जब तक 5 से छोटा न आ जाए। इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा मैं। अभी देखेंगे कि 100 में क्या करेंगे, 2 से भी भाग लगाएंगे और इसी 100 में हम 5 से भी भाग लगाएंगे। 2 से हम भाग देंगे तो यह 50, 50 में फिर से 2 से भाग लग जाएगा तो 25, फिर से भाग लगाएंगे 12, शेष से मतलब नहीं है हमें, जो भागफल आया उसमें फिर हम भाग देते चलना है। अब 6, 2 से 3, फिर 2 से 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे 100 में तो क्या होगा, 20 पचे 100, फिर 20 में 5 से भाग लग सकता है तो 5 चौका 20, अब 5 से छोटा आ गया तो भाग नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, जितना ये भागफल आया उसको जोड़ते हैं, 20 प्लस 4 कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर इसमें कितना होगा, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, सबको जोड़े तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए, 50 और 25 75, 75 और 12 हो गया आपका 87, 87 और 6 हो गया आपका 93, 93 और 4 हो गया आपका 97, यानी कि यहाँ पे आया 97। इसका मतलब है कि आपका 2 का पेयर कितना मिला, 97। देखिए यहाँ पर 2 का पेयर कितना मिलेगा, 2 का पेयर यहाँ पे मिला 97, और ये जो है आपका 24 आया था तो 5 का पेयर था, वो 5 का पेयर कितना था आपका 24, 5 का पेयर कितना था 24। तो अब यहाँ पर 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा मिला करके, 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा, तो 24 5 है तो 24 को 2 के साथ पेयर बन रहा है, यानी कि 24 आपका 5 और 2 का पेयर मिला। तो शून्य का संख्या भी कितना होगा, शून्य की संख्या भी आपका 24 होगा, शून्य भी कितना होगा 24, ठीक है। अब यहां से हमको समझ में ये आया कि 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, 5 से सिर्फ भाग देके देख लेंगे कि 5 का पेयर कितना बन रहा है तो उतना ही शून्य का संख्या होगा, क्योंकि जितना 5 का पेयर बनेगा उतना ही 2 के साथ गुना होकर शून्य बनाएगा, ठीक है। भले ही 2 का पेयर ज़्यादा भी बन रहा हो लेकिन जितना 5 का पेयर बनेगा 0 तो उतना ही बनेगा, इसलिए सिर्फ हम 5 से भाग दे देंगे, इसको भाग देकर नहीं देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, 1 से 75 तक की सभी संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ हम शॉर्ट में करेंगे, कैसे करेंगे, 75 तक दिया हुआ है, 1 से 75 तक, मतलब इसका क्वेश्चन इसे भी दे सकता था, 1 गुना
2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक, 75 तक। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता था, मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 12 नंबर है उसमें 2 से भी भाग देना है और 5 से भी भाग देना है, लेकिन हम सिर्फ 5 से भाग दे दे तो काम चल जाएगा। 75 में हम 5 से भाग दे तो क्या होगा, 15, 75 फिर 5 से भाग लेगा, 15। अब जो है क्या करना है, इनको जोड़ना है, क्या मिलेगा, 15 प्लस 3 क्या मिलेगा, 18। यानी कि 18 मिल गया है, तो 5 का पेयर 18 आया, यहाँ पर 5 का पेयर मिला 18। इसका मतलब है कि 2 का 18 पेयर के साथ यह 0 बनाएगा, तो शून्य का संख्या भी 18 यहाँ पर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते थे शून्य का संख्या भी 18 हो जाएगा, शून्यों का संख्या भी क्या हो जाएगा, 18। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी समझते हैं। 75 तक है ना, तो हम 75 को इस तरह से 5 से ही भाग दे, 15 5 75, 15 आया, इस 15 में फिर से भाग देंगे, कितना, 5 से, फिर 3 आया, तो ये जो आया आपका 15 और 3 इनको जोड़ लेते हैं, 15 प्लस 3 यानी कि 18। ठीक है, तो जितना 5 का जोड़ा बना उतना ही शून्य का संख्या होगा। ठीक है, शून्य की संख्या भी 18 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 ये फैक्टोरियल है, गुना 250 फैक्टोरियल गुना 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 150 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 150 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक, 150 तक। ठीक है, उसी तरह से आपका फैक्टोरियल 250 का भी वैल्यू होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक, 250 तक, और 100 फैक्टोरियल का वैल्यू भी उसी तरह से 1 गुना 2 गुना कहाँ तक, 100 तक। तो हमको करना क्या है, 150 है उसको 5 से भाग देंगे, 150 को 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देना है जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए, 5 से भाग देंगे, 5 3 15, फिर 5 से, 5 6 30, फिर 5 से, 5 1 5। अब इनको जोड़ना होता है तो उतना ही 5 के जोड़े मिलेंगे, इस प्लस 6 प्लस 1 यानी कि 37। ठीक है, यानी कि 37 आया 5 का जोड़ा, इसका मतलब है यहाँ पर हो गया 37। अब अगला भी यहाँ पर दिया हुआ है 250 फैक्टोरियल, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहाँ तक, 250 तक। तो हम 250 को भी हम भाग देंगे किस से, 5 से, 5 25, फिर 5 से, 5 2 50, फिर 5 से, 5 2 10। इसका मतलब है यहाँ पर आपको मिला, जोड़ दीजिए, 50 10 60 2 62। ठीक है, अगला जो है आपका 100 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 100 में भी हम क्या करेंगे, 5 से भाग, 20, फिर 5 से, 5 2 20, यहाँ पर आपका कितना मिलेगा, 24, कितना मिलेगा, 20 और 4 24। ठीक है, तो अब जो है कुल जो है 5 का पेयर कितना हो जाएगा, 37 प्लस 65 प्लस 24। ठीक है, तो 5 का पेयर, 5 का जोड़ा कितना मिलेगा, 37 प्लस 62 प्लस 24। तो सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 7 13 का 3 8 1 9 9 3 12, 123 मिल गया आपका 5 का पेयर। इसका मतलब है कि
जीरो का संख्या भी 123 होगा, ठीक है। शून्य का संख्या भी क्या होगा 123, शून्य की संख्या 123, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर 1 से लेकर के 100 तक सम संख्या का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 4 गुना 6 गुना कहां तक, 100 तक, ठीक है। इसका मतलब है कि संख्या कितना मिलेगा हमको, 50 ही मिलेगा, क्योंकि दो दो का गैप है ना, तो 1 से लेकर के 100 तक में 50 संख्या मिलेगा, सम संख्या कितना मिलेगा 50, सम संख्या कितना मिला 50, उस 50 को क्या करेंगे, भाग देंगे 5 से भाग देंगे तो ये हो गया 10, फिर 5 से 5 गुना 10, इसका मतलब है 5 का पेयर कितना बना, 10 अदू 12, 12 बना, तो यहाँ पर शून्य की संख्या भी उतना ही हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 12, शून्यों की संख्या बराबर 12, ठीक है। याद रखना है कि हम लोग 2 से भाग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 5 से भाग दे करके यहाँ शून्य की संख्या बता दे रहे हैं, क्योंकि जितना जो है 5 का पेयर मिला उतना ही 2 के साथ जो है शून्य बनाएगा, उतना ही 2 के पेयर के साथ शून्य बनाएगा, इतना बात समझ रहे हैं। यहाँ पर दिया है 1 से 75 तक की सभी सम संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताना है, तो 1 से 75 तक का सम संख्या क्या होगा, 2 होगा गुना 4 होगा गुना 6 होगा गुना कहाँ तक, 75 तो विषम है ना, तो 74 तक, ठीक है। कितनी संख्या मिलेगा हमें, यह मिलेगा कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो यानी कि 37 आपको मिल गया क्या, सम संख्या। अब क्या करेंगे, इस 37 में हमको भाग देना है किस से, 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 से 35, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, अब इनको जोड़िए तो क्या मिला 8, 5 का पेयर मिला 8, यानी कि शून्य की संख्या भी आपको कितना होगा 8, कितना होगा 8, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 से 225 तक की सभी सम संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, तो कौन कौन सा होगा, 2 गुना 4 गुना 6 गुना कहाँ तक, 225 तो विषम संख्या है, 224 तक, कुल कितना संख्या होगा, हम भाग देंगे 2 से तो पता चलेगा संख्या कितना मिलेगा 112। इस 112 में हमको क्या करना है, 5 से भाग दीजिए, 112 में 5 से भाग दीजिए, 5 दुना 10 और 5 दुना 10, फिर 5 से 5 चौका 20, अब 5 से छोटा हो गया, इसका मतलब है कि अब जो है इनको जोड़िए, 22 अचार 26, इसका मतलब है कि शून्य की संख्या भी कितना होगा 26, शून्य की संख्या बराबर 26, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर कह रहा विषम संख्या, तो 1 से 100 तक विषम संख्या क्या होगा, 1 गुना 3 गुना आपका 5 गुना 7 गुना कहाँ तक, 100 तो आपका सम संख्या है, कहाँ तक 99 तक, ठीक है 99 तक। तो आप गौर कीजिएगा, 0 तभी मिलेगा जब आपके पास 2 मिले और 5 मिले, कम से कम 1 2 और 1 5 मिलना जरूरी है,
तो ये जो है आपका विषम संख्या है सभी के सभी, तो दो एक सम संख्या है, तो कहीं भी इसमें जो है दो मिलेगा ही नहीं। तो दो जब तक नहीं मिलेगा तो शून्य हमारे पास कहाँ से मिलेगा, तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, एक भी नहीं, शून्य की संख्या एक भी नहीं। शून्य की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं, कोई शून्य नहीं मिलेगा, ये बात समझ गए। अब अगला टाइप क्वेश्चन देखिए, 10 के प्रथम 10 गुणजों की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। यहां पर 10 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या हुआ, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, कहां तक, 100 तक, कहां तक, 100 तक। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है 10 गुना एक, और ये क्या है 10 गुना दो, और ये क्या है 10 गुना तीन, ठीक है, आगे ये क्या है 10 गुना 10 है ये, ठीक है, 100 जो है तो 10 गुना 10। फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 10 को एक तरफ रखें, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार, 10 बार, 10 गुना 10 कितना बार है, 10 बार है, और फिर इधर 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ कितना तक, 10 तक, कितना तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना तक, 10 तक, ठीक है, 10 तक है ये। तो अब यहाँ पर हम समझ गए, डायरेक्टली हमको मिल गया कि ये 10 बार है, 10 गुना 10, तो यहाँ पर 10 जीरो तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पर 10 जीरो मिल जाएगा, ठीक है, 10 जीरो, 10 शून्य। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 एक 10 जो है यह क्या है आपका 1 जीरो ये है, और दूसरा मिलेगा आपको यहाँ जो बीच में 5 है 5 गुना 2 वो भी मिलेगा, ठीक है, तो यानी कि 2 शून्य जो है आपका, यानी 2 शून्य आपका यहां पर मिल गया। तो कुल शून्य की संख्या कितना हो गया, 10 और 2 12, 10 और 2 12, कुल शून्य की संख्या हो गया आपका 12, ठीक है, समझ गए। अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे, अलग अलग कंसेप्ट अपनाएंगे, ठीक है, एक ही तरीका सभी तरह के क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्वेश्चन का प्रकार बदलेगा तो हमारा तरीका भी बदलेगा, इसलिए बढ़िया से समझिएगा, नहीं समझ में आवे दोबारा एक बार वीडियो को देखिएगा, और हो सके तो आप नोट्स जो है जरूर बनाते चलिएगा, हर चैप्टर का नोट्स आप बनाते चलिए, हर वीडियो को देखिए, साथ में कॉपी और पेन रखिए और नोट्स में सब नोट करते चलिए सभी क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन, ठीक है, तब जाकर के आपको रिवीजन जब करना पड़े कभी इस तरह का क्वेश्चन जब सेट बनाते टाइम में मिलेगा, तो यदि भूल गए तो फिर से आप नोट्स खोल के देख लेंगे, यही सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन पढ़ने का। नोट्स वही लोग नहीं बनाते हैं जो पहले से पढ़े होते हैं, रिवीजन जिनका होता है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नोट्स जरूर बनाना चाहिए यदि वह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी बढ़िया होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 के प्रथम 16 गुणजों को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां भी वही काम इससे पिछला वाला क्वेश्चन में, क्या करेंगे, 10 का गुणज 16 तक, यानी कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना कितना तक, 16 तक, 16 गुना 10 यानी कि 160 आएगा, ठीक है, कितना बार, ये जो है आपका 16 बार है। अब जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1, 10 को 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, 30 को लिख सकते हैं आप 10 गुना 3, और 160 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 16,
ठीक है। तो अब फिर वही काम, हम 10 जितना है उसको एक जगह कर लें, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार? 16 बार है। कितना बार? 16 बार। और बाकी को 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना तक? 16 तक, ठीक है, अलग लिख दिए। अब यहाँ पर क्लियरली हमको दिख गया कि 10 का गुना कितना बार है, 10 गुना 10 गुना 16 बार है। तो 16 को तो यहाँ से हमको मिल गया कि 16 यहाँ पर शून्य है, और इसमें इसमें कितना शून्य मिलेगा? ये जो है आपका 16 है, उसको 16 को आप 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, इसका मतलब है कि शून्य का संख्या यहाँ पर क्या मिलेगा? 3। क्या मिलेगा? 3 शून्य। अब कुल शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 16 और 3 जोड़ देंगे तो 16 प्लस 3 यानी कि कुल शून्य मिलेगा 19। समझ गए? कुल शून्य कितना मिलेगा? 19, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 के प्रथम 100 गुणजों की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार आएगा? 100 बार आएगा, पिछला क्वेश्चन की तरह। तो 100 शून्य तो यहाँ से मिल जाएंगे, 100 शून्य। और अगला तरफ 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहाँ तक? 100 तक। तो यानी कि उस 100 में हमको भाग देना पड़ेगा 5 से, तो 20 25 100, फिर 5 चौका 20 यानी कि शून्य का संख्या यहाँ पे मिलेगा 24। और दोनों को जोड़ देंगे तो 100 और प्लस 24 कितना हो जाएगा? कुल शून्य की संख्या 124। कुल शून्य की संख्या होगा 100 प्लस 24, 124, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से पहले का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किया हुआ था तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कर लिए बिना समय गंवाए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, कंसेप्ट आप सीख जाएंगे, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 के प्रथम 10 गुणजों को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितने आएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना कहाँ तक? 50 तक। प्रथम 10 तक ही जाना है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1 5 को, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 15 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 3, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 50 को 5 गुना 10, ठीक है। अब जो है 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार? ये आएगा 5 कितना बार? 10 बार, ठीक है। गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक? 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि 5 की कितने जोड़े बना, 5 के पेयर्स कितने बने हैं, कितना बना? 10 बना है। 5 का जोड़ा कितना हुआ? 10, क्योंकि 5 10 बार है। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा कितना मिलेगा, ये हमें चेक करना है। तो क्या कीजिए कि इसमें 10 में 2 से भाग कर दीजिए, 2 5 10, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2 यानी कि यहाँ पर 2 की संख्या कितना मिला? 5 2 7 1 8। अब ध्यान देने वाला बात यह है, तो यहाँ पर समझना क्या है, 2 का पेयर कितना मिला हमें? 2 का पेयर मिला हमें 8, और 5 का पेयर मिला है 10। तो शून्य की संख्या कितना होगा? यहाँ पर होगा 8 ही। क्यों? क्योंकि 8 ही बार 2 है, तो 8 ही बार 5 के साथ गुना होकर 0 बनेगा, ठीक है। तो
शून्य की संख्या यहां पर मिल जाएगा आपको 8, शून्य की संख्या होगा 8, ठीक है। इस बार 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 बार 2 नहीं है, 2 जो है 8 ही बार है, तो शून्य की संख्या 8 ही होगा, ठीक है। इतना समझ गए, समझ गए। अगला क्वेश्चन करके देखिए, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16, इसका पावर 20, गुना में 5 गुना 5 लिख सकते हैं 25 को, इसका पावर 5 है, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, इसका पावर 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के पावर जोड़िए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 20 20 40 20 60 20 80, इसका मतलब 2 के पावर हो गया 80, 2 के पावर 80 गुना 5 के पावर कितना हुआ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यानी 5 के पावर 10 और यहाँ पर 10, 5 के पावर यहाँ भी 10 है, तो 10 10 20, 5 के पावर क्या मिले 20, तो शून्य की संख्या यहाँ पर क्या होगा, 5 का पेयर आपको 20 मिला है जबकि 2 का पेयर 80 मिला है, लेकिन शून्य की संख्या होगा 20 ही, ठीक है। शून्य की संख्या कितना होगा 20, ठीक है। यहाँ शून्य की संख्या क्या होगा 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ 51 के पावर 10 और ये जो है 52 के पावर 20 और 53 के पावर 30, 55 के पावर 40। तो यहाँ देखिए, जहाँ पे हमको 5 और 2 नहीं मिले तो वहाँ पर शून्य मिलने की संभावना है ही नहीं। तो जो 51 दिख रहा है आपको, 51 के पावर 10, 51 में न ये 5 से कटता है 51, ना ही 2 से कटता है, तो इसमें शून्य मिलने की संभावना नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। 53 में देख लीजिए, न ये 5 से कटता है ना ही 2 से कटता है, तो इसमें भी शून्य नहीं मिलेगा। बाकी के लिए हम जो है 52 है, तो 52 को क्या लिख सकते हैं, 52 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 हो गया, गुना 13 13 चौका 52 होता है, इसका पावर 20 गुना, अब इसको क्या लिख सकते हैं 55 को 5 गुना 11, इसका पावर 40। अब जो है 2 का पावर कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 40 हो गया, और बाकी की हमको मतलब है नहीं, 13 पावर लिख दीजिए वैसे 20, और यहाँ पर भी 5 के पावर क्या हो गया 40, और ये जो है 11 का पावर 40। अब जो हम देखेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 का और 5 का पेयर मिला हमको 40, 2 और 5 का जोड़ा कितना मिला 40, इसलिए शून्य की संख्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से सभी चैप्टर के सभी टॉपिक को लगातार वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको प्रत्येक चैप्टर की तैयारी करा दूँगा। आप लोग नोट्स जो है बनाते रहिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।
है।